इसका भी एक कारण था और उन्होंने क्या संतोष सबको और माना सबकी निगाह थी बाबा है और जिनका क्या होगा पूरे भारत की निगाह है उसके ऊपर नहीं है सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं मरी। अच्छा सर सांप कौन सा नहीं मरा क्या होता है राम को अरे तुम्हारे हिसाब से सांप कौन सा नहीं मरा है ब्राह्मणों की दुनिया में बाबरी मस्जिद कौन सी है हैं माउंट आबू बाबरी मस्जिद है उसका नाम बाबरी मस्जिद क्यों रखा गया है बाबर ने बनवाई तो नाम रख दिया बाबरी मस्जिद कौन से युग में बनी द्वापर युग में बनी कलयुग में बनी कलयुग में भी यह सतो प्रधान और सतो सामान्य दोनों काल पूरे हुए माया का राज्य भी कब शुरू होता है सतो प्रधान सतो सामान्य के बाद है सतो प्रधान और सतो सामान्य ड्रामा का टाइम पूरा हो जाता है तब माया रावण का राज्य शुरू होता है माया रावण आता है तो ऐसे ही कलयुग की भी चार अवस्थाएं हैं चार अवस्थाओं में से सतो प्रधान सतो सामान्य टाइम पूरा हुआ और रजो प्रधान की शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही मुसलमानों का राज्य का फाउंडेशन पड़ जाता है तो माया भी चाहिए और माया के साथ रावण भी चाहिए बाबा दोनों का नाम साथ साथ लेते हैं माया रावण लेकिन वास्तव में राज्य किसका कहें माया का कहें या रावण का कहें रावण का कहें रावण राज्य में बुद्धि को खराब करने का निमित्त कौन बनता है 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 देह अभिमान देह अभिमान स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है परंतु पुरुषों में काम विकार प्रबल होता है या देह अभिमान प्रबल होता है काम विकार प्रबल होता है और स्त्रियों में देह अभिमान प्रबल होता है तो शुरुआत कहाँ से होती है देहवान से शुरुआत होती है तो मुगलों का जो राज्य शुरू हुआ है भारत में
उसको शुरुआत करने वाला कौन हुआ? बाबर। नाम क्या पड़ा? बाबा प्लस र क्या रहता है? हैं? बाबा बन के रहता है। उसकी पहचान क्या है? हैं? जो बाबा बन के रहता है उसकी पहचान क्या है? पुरुषार्थ के आधार पर है? हाँ, एक ही जन्म में इतना तीखा पुरुषार्थ कर सकने योग्य है कि उसी जन्म में नीचे ते नीचा पार्ट, नीचे ते नीचा पद, और पुरुषार्थ करके उसी जन्म में ऊंचे से ऊंचा पद सम्राट का प्राप्त कर लेता है। कौन? जो बाबा बन के रहता है। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा बन के कितने रहते हैं? बच्चों की तरफ से बाबा, दुनिया की तरफ से नहीं। दो, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा, एक छोटा बाबा, एक बड़ा बाबा। राजधानी कौन बनाता है? बड़ा बाबा राजधानी बनाता है। तो जो बड़ा बाबा है उसमें भी दो बाबाएं हैं, एक शिव बाबा, दूसरा राम बाप का आ जाता है। जिस्मानी बाबा को जी, तो जो रूहानी बाबा है वो तो रूहानी दुनिया की सल्तनत बनाता है, रूहानी राजधानी तैयार करता है। और जिस्मानी बाबा जिस्मानी दुनिया की राजधानी तैयार करता है। तो है भारतवर्ष की बात, भारतवर्ष में जब आधे से भी ज्यादा टाइम गुजर जाता है तब खास भारत में मुसलमानों का राज्य होता है। आक्रमण तो कलयुग की शुरुआत से ही होने लगते हैं, परंतु राज्य कायम नहीं होता। और राज्य कायम होता भी है तो उनकी डायनेस्टी नहीं चल पाती। और बाबा आकर के जो राज्य कायम करता है, चाहे सतयुग का राज्य हो चाहे त्रेता का राज्य हो, शिव बाबा, तो उसकी डायनेस्टी चलती है। और वो जिसमें आता है उसमें भी वही गुण आएगा या नहीं आएगा? वही गुण उसमें भी आता है। जिस धर्म की राज्य स्थापना होगी उसकी डायनेस्टी भी चलती है। तो कलयुग के मध्यांत में मुगल साम्राज्य जब शुरू हुआ तो वही राम वाली आत्मा आकर के मुगल राज्य की स्थापना कर देती है, आरंभ करती है। और किसका सहारा लेती है? आधार किसको बनाती है? है? बाबरी मस्जिद को आधार बनाती है। इसे पागलपन कहें या होशियारी कहें? है? होशियारी है। क्यों? भारतवर्ष में मुगलों का राज्य स्थापन हो जाए
और वो भी जो देवी देवता सनातन धर्म की फर्स्ट आत्मा है, देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडर है उस आत्मा के द्वारा, तो पागलपन कहेंगे या होशियारी कहेंगे, क्या कहेंगे है? होशियारी कहेंगे, क्यों? आदि में उसका सहारा ले लेती है ना, है? आदि में शुरुआत, वो तो ठीक है, लेकिन जो आदि वाली आत्मा है उसे तो आदि सनातन धर्म की स्थापना करनी चाहिए। क्या काम है? आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करना शिव बाबा का काम है। राम की आत्मा का काम क्या है? राजा ही स्थापन करे या न करे? करे तो, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो है आत्माओं का बाप शिव, वो रूहानी दुनिया की स्थापना करता है। देवताएं रूहानियत में रहने वाले होते हैं, और जिस्मानी दुनिया का बाप कौन है? प्रजापिता। तो कौन सा राज्य स्थापन करेगा है? देवान का राज्य स्थापन कर दिया भारतवर्ष में। तो ज्ञान की दृष्टि से इसे पागलपन कहें या होशियारी कहें, ये तो पागलपन हो गया। हाँ, ये बात तो जरूर है, ज्ञान की दृष्टि से मूर्तियों की पूजा करना पत्थरों की, ये ज्ञान है या अज्ञान है? अज्ञान है। और मुसलमानों ने क्या किया? मूर्तियों का खंडन करवाई दिया, बुत परस्ती खत्म। बुत अर्थात पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं होता है। पत्थरों को याद करने से पत्थर बुद्धि बनेंगे, तो बात तो सही हुई। फिर बाबरी मस्जिद क्यों बना दी? भले बाबरी मस्जिद में, मस्जिद में, गिरजाघर में कोई मूर्ति तो नहीं होती है, चाहे देवताओं की मूर्ति हो चाहे कोई भी मूर्ति हो, मूर्ति नहीं। फिर मस्जिद तो बना दी, वो भी किस स्थान पर बना दी है? हाँ, जो राम का मंदिर है, जहां रामलला की मूर्ति, उसकी जगह बाबरी मस्जिद बना दी। और मस्जिद में होता क्या है? है, मस्जिद में होती है दीवाल। दीवाल किस बात की सूचक है? दीवाल है विघ्नों की, दीवाल की सूचक, विघ्नों की दीवाल खड़ी कर दी, जो भारतवासियों को आधा कलयुग तक सुख मिलता ही नहीं है। क्या मिलता है? दुख ही दुख मिलता है। सुख की दुनिया के रास्ते में विघ्नों की दीवार खड़ी हो जाती है भारतवासियों के लिए, तब से लेकर के अंत तक, जब तक भगवान इस सृष्टि पर ना आ जाए तब तक विघ्न ही विघ्न आते रहते हैं। सुख का राज्य जैसे कि मिलता ही नहीं। एक विघ्न गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। जैसे कि झांसी का राज्य कलयुग के अंत में होता है, विघ्नों की लाम लग जाती है। अब
तो भगवान आया हुआ है, तो धीरे धीरे विघ्न टलने का टाइम आया है। या बच्चों के लिए जो भगवान के असल बच्चे हैं उनके विघ्न बढ़ने का टाइम आया है, घटने का टाइम आ गया। तो बाबरी मस्जिद बनी तो बनने के टाइम पर बन गई, आज से 500, 600, 700 साल पहले बाबर के टाइम पर। अभी वही बाबर की आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है तो बाबरी मस्जिद की स्थापना करती है, और ज्ञानी बनेगी तो राम मंदिर ही स्वतः स्थापन होगा या बाबरी मस्जिद को सपोर्ट मिलेगा? तो रामलला की मूर्ति जहां की तहां है, जैसे मुरली में आया रावण की सभा में अंगद हनुमान को पांव जमा के रहता है, तो ऐसे ही मूर्ति तो स्थिर है, स्थिरियम है, परंतु घाटा किस बात में हुआ है? ये तो भारतवासियों के हक में हो गया, घाटा किस बात में हुआ है? बंटवारा हुआ जमीन का। यहाँ धरणी कौन कही जाती है, है? कि कन्या माताएं धरणी कही जाती है। तो तीन हिस्से हो गए, जैसे झाड़ में धर्म के हिसाब से देखा जाए तो तीन हिस्से हैं। एक तना जो आदि से अंत तक सीधा जाता है, रामलला का तना कहो, रामलला की भूमि कहो। दूसरा तना है भारतवासी कुंभकर्णों का, बौद्धि कहो, सन्यासी कहो, सिख कहो, तीनों ही भारतीय धर्मों में सन्यास धर्म का नाम बुलंद है या नहीं है? है। तो ये अखाड़े की स्टेज हो गई, एक बटा तीन हिस्सा उनको भी दे दिया गया। सन्यासियों की हेड कौन है? गंगा। तो समझो फाउंडेशन पड़ रहा है, गंगाएं निकली हैं अंत में, यमुनाएं निकली हैं आदि में, और सरस्वती निकली है मध्य में, माने जगदम्बाएं निकलती है मध्य में। तो अभी किसके निकलने का टाइम आ गया? ज्ञान गंगाओं के निकलने का भी टाइम आ गया। अब तीसरा कौन रह गया? तीसरा हिस्सा विधर्मियों को पल्ले पड़ गया। तो जिनका आदि सनातन देवी देवता धर्म से कनेक्शन नहीं होगा, या जन्म जन्मांतर में कम रहा होगा, वो तो दो हिस्सों में बटेंगे, या तो गंगा की ओर जाएंगे या तो विधर्मियों की ओर जाएंगे।
तो जो बेधर्मियों की तरफ जाएंगे तो झगड़ा बढ़ेगा या कम होगा? झगड़ा बढ़ेगा। महावारी महाभारत गृह युद्ध सामने आ जाएगा। बाहर की दुनिया में भी वही हो रहा है और अंदर की दुनिया में भी वही हो रहा है। बाकी अंदर की बात ज्ञानियों की समझ में ज्यादा आवेगी, जो अज्ञानी है वो तो इन बातों पर विचार करते ही नहीं। और हाँ जी, वास्तव में तो दुनियावी तरीके से देखा जाए तो अयोध्या में मस्जिद में कोई मुसलमान नहीं था, सिर्फ मस्जिद ही बनी हुई थी और सारा मंदिर किससे भरा हुआ था? भारतवासियों से ही मंदिर बसा हुआ था। और जमीन भी किसके कंट्रोल में थी? सारी भारतवासियों के कंट्रोल में थी। अब जब वहां कोई है ही नहीं मस्जिद में, कम से कम मुल्ला मौलवी तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने जब बिल्कुल परवाह ही नहीं की उसकी सुरक्षा की शुरुआत से, जैसे कि मस्जिद यतीम हो गई, और सरकार का पक्ष तो सदैव ही हिंदू मुसलमानों के लिए बराबर ही रहा, बल्कि मुसलमानों के लिए ज्यादा ही रहा। उसके बावजूद भी मस्जिद का ध्वंस हो गया और उसको बचाने वाला प्रैक्टिकल में कोई नहीं था, तो इससे साबित होता है कि मुसलमानों को तो जैसे हो अल्लाह मचाने के सिवाय सरकार ही नहीं थी मस्जिद की। अब जमीन तो उनको ऐसे मुफ्त में ही मिल गई, बाउंड्री करके नहीं आ सकते हैं। हाँ जी, अब मुंह लटकने का कारण सिर्फ यही हो सकता है कि दुनिया में उसकी आवाज ज्यादा फैल गई है झगड़े की। ये धर्म के ऊपर है, झगड़ा आधारित है। तो जमीन जायदाद को ज्यादा महत्व दिया मुसलमानों ने, या सरकार ने जमीन जायदाद देकर के मुसलमानों को बहलाया फुसलाया? लेकिन धर्म का जो असली मुद्दा था मस्जिद और मंदिर का, उसमें हार गए। हार इसलिए गए कि उनकी खुद की गफलत थी। गफलत न होती तो मस्जिद गिर ही नहीं सकती थी, वहां कोई देखने वाला होता। है
है। बाबर बाबर ने हिंदुस्तान में भारत का आक्रमण किया है। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया है, उसको बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वही जगह मिली जो है हिंदुस्तान। अरे यादगार तो बनती है ना कहीं न कहीं, राम मंदिर है उसको चाहिए था। ये तो ये जो राम मंदिर बनाया गया या कृष्ण मंदिर बनाया गया, ये बनाने वाले कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान? मुसलमान थे। हाँ, मंदिर और कृष्ण का मंदिर है जहाँ जन्म हुआ कृष्ण का, कृष्ण जन्म भूमि और राम जन्म भूमि बनाने वाले हिंदू थे या मुसलमान? हिंदू थे, हिंदुओं ने ही बनाई। और हिंदुओं का जो फाउंडेशन है वो ही फाउंडेशन दूसरे दूसरे धर्मों में चला है, और धर्म वालों में भी भक्ति चल रही है, या उनका ओरिजिनल जो धर्म पिताओं ने ज्ञान सुनाया वो चल रहा है, भक्ति चल रही है। तो कहाँ स्थान मिलेगा, वही तो स्थान चुनेंगे, और कौन सा चुनेंगे? राम वाली आत्मा के हिसाब से बाबर तो इतना ऊंचा नहीं है ना, फिर इतना है राम वाली आत्मा के हिसाब से। हाँ, बाबर की ऊंचाई तो इतनी नहीं है, फिर भी इनको समान जगह पर। अरे राम ऊंचा कौन से युग में था, सतयुग में या सतयुग के आदि वाले संगम में ऊंचा था? जो गिरती हुई कला का युग है उसमें नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? चढ़ती कला में भी ऊंचा और गिरती कला में भी ऊंचा रहना चाहिए या नीचा? तो गिरती कला में भी वो पहले है, इसलिए तुलसीदास ने लिख दिया चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत यार। चढ़ती कला में भी ऊंचा तो उतरती कला में भी ऊंचा, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? उस नरक की दुनिया के राज्य का फाउंडेशन भी किसने डाला है? राम ने डाला, इसलिए वो नरक की दुनिया भी उसी की फाउंडेशन डाली हुई है। तो क्या करना चाहिए है? अरे उसी की ना गर्दन मड़ोर तो सब खेल कलास हो जाए। है यही बैठा बैठा फर्क क्या फेकरा उड़ाया, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। धर्म के आधार पर जब कोई बात आ जाती है तब काट मार के लिए नहीं डरते हैं, और बातों में तो वो नीचे भी झुक जाते हैं। धर्म की बातों में अंधश्रद्धालु है। और बराबरी तो हुआ ना बाबा है, पहले राम था तब राम मंदिर बनाया, फिर बाबरी मस्जिद बनाया, बाबर बना गौतम प्रधान बना। हाँ, तो इतनी तो प्रधान लगाया और राम मंदिर बनाया। हाँ, ये बना शूटिंग के हिसाब। अरे जब मंदिर माने घर, राम का मंदिर राम बनाएगा कि दूसरे धर्म वाले बनाएंगे? राम ही बनाएगा। और घर, घर किसे कहा जाता है, हैं? घर किसको कहा जाता है? घरवाली को घर कहा जाता है। शास्त्रों में उन्होंने लिख भी दिया, न ग्राम ग्राम में उच्यते ग्रहणी ग्राम उच्यते। घरवाली सुधर जाए तो सारी दुनिया सुधर जाती है। कहते भी है
घरवाली अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घरवाली गिरती है तो सारा घर नरक बन जाता है। और क्या होगा? राम का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, वो पगलिया दास दासी बन जाएगी। राम और कृष्ण को संभालने वाली दास दासियां नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है? और उनको भी भारतवर्ष में नीची नजर से नहीं देखा जाता, कहते हैं दाई माँ। उनको भी क्या टाइटल देते हैं? उनको भी कहते हैं दाई माँ, पालना देने वाली माता। और पागल तो राम के लिए ही मिला बाबा है, राम के लिए पागल मिला। अच्छी बात है, ये भी ड्रामा मनू। और अरे क्या ला, बैठे बैठे हैं, पीछे से आया। लाइट जलाओ भाई, है फिर काय के लिए। चलो ब्रह्मा विष्णु और शंकर की आत्मा भी 2018 तक घोर अंधकार में आती है, तब महाशिवरात्रि की 2018 के बाद त्रिमूर्ति शिव जयंती, इस बात को थोड़ा और क्लियर करें। 2018 के बाद त्रिमूर्ति शिव जयंती, हाँ इस बात को थोड़ा और क्लियर करें। क्या क्लियर करें? जो पूछो उसको क्लियर करें। त्रिमूर्ति शिव जयंती गाई जाती है या ब्रह्मा विष्णु शंकर जयंती गाई जाती है? विष्णु जयंती गाई जाती है नहीं, क्या गाई जाती है? शिव जयंती गाई जाती है। बाप के साथ बच्चों की जयंती गाई जाती है, वो ज्ञान सूर्य है, तो ज्ञान सूर्य के बच्चे भी, सभी बच्चे ज्ञान सूर्य हैं, सूर्यवंशी हैं। वैष्णवी देवी जिसे कहा जाता है वो सूर्यवंश से आती है या चंद्रवंश से? चंद्रवंश से आती है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का तबक्का तो विष्णु से भी नीचे है। लेकिन तीनों का कनेक्शन है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ब्रह्मा के बगैर शंकर का कार्य नहीं चल सकता, शंकर के बगैर विष्णु का कार्य नहीं चल सकता, विष्णु के बगैर शंकर का कार्य नहीं चल सकता। ब्रह्मा नहीं तो विष्णु भी नहीं बन सकता। परंतु नाम शिव जयंती गाया जाता है, शिव का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? शंकर के साथ जुड़ा हुआ है, विष्णु के साथ और ब्रह्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और उल्का यही तो आया मुरली में, आज नाटक बना दिया है। माया अभी अभी खलास कर देती है, माया भी खेल दिखाया है, दीवा बुझा देती है।
बाप आकर के दीवा जगाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, ज्ञान का दीपक जगाते हैं, माया क्या करती है, माया दीवा बुझा देती है। और ब्रह्मा बाबा ने भक्ति करते थे विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की, इससे सुखा मुक्र व्रत हुई, वो सुख मुक्र व्रत जब था वो किसकी भक्ति करते थे, जब ज्ञान में शून्य प्रवेश करने की कोई, शून्य प्रवेश करने की कोई जब था किसकी भक्ति करते, वो अज्ञान की बात है या ज्ञान में आने की बात है। जो लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते थे ब्रह्मा बाबा, वो अज्ञान की बात है या ज्ञान काल की बात है? अज्ञान काल की बात है, क्योंकि वो तो जो भक्ति करते थे वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते थे या संगमी लक्ष्मी नारायण की यादगार उनकी बुद्धि में बसी थी? है संगम युग की करते थे, तो संगम युग में लक्ष्मी थोड़े ही पांव दबाएगी, ना हद के पांव दबाएगी और ना वहां कोई दर्द होता है। ये कहां की बात है, ये बेहद के बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है। संगम युग में जो लक्ष्मी है वो नारायण सारे विश्व को पालन करेगा, तो अनेक प्रकार की समस्याएं भी तो सामने आती हैं, लेकिन लक्ष्मी उन समस्याओं का अपनी पवित्रता के आधार पर समाधान कर देती है। जैसे कि बुद्धि रूपी पांव दबाए दिए जाते हैं, तो ब्रह्मा के लिए ये बात गायन नहीं है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को हटा दिया, हमें नहीं अच्छा लगता तुम पांव दबाओ। ये है कहां की यादगार, लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती है, ये कहां की यादगार है, संगम की या सतयुग की है? संगम की यादगार है। तो ब्रह्मा बाबा को वो बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हटा दिया। और बाबा अभी जो संदेश आया वह है एडवांस पार्टी। प्रकाश मणि दादी के शरीर छोड़ने के बाद अभी स्मृति दिन हुआ था, स्मृति दिन हुआ उसी दिन का संदेश। किसकी स्मृति? प्रकाश मणि दादी की स्मृति। उनको एक साल हो गया क्या? है तो उन क्या है? तीसरा स्मृति दिवस मनाया गया, दूसरा है तीसरा। हाँ तो क्या आया उसमें? उसमें संदेश में आया है वह है एडवांस पार्टी। हाँ और आप हैं एडवांस स्टेज वाले। आप हैं एडवांस स्टेज वाले। अच्छा माना जो वैष्णवी शक्ति है जिसका वो एडवांस पार्टी और उनके जो मुखिया हैं, वो डायरेक्शन मिला है उनको, किसका आह्वान करो, विजय माला का। तो जो एडवांस में होता है उसका आह्वान किया जाता है, या जो पीछे होता है उसका आह्वान किया जाता है? तो सही बोला या गलत बोला? प्योरिटी के आधार पर दुनिया के सारे काम होते हैं। प्रैक्टिकल में जो विजयी होता है वो ही विजयी कहा जाता है। और भक्त लोग बुलाते नहीं है, वो तो बताया भी नहीं, यहाँ तो बाप ने बताया कि आवाज करो है, तो किसी ने बताया भी नहीं, रोज लक्ष्मी का आवाज करते हैं। वहाँ भक्तों ने बताया ना, भक्ति मार्ग के शास्त्रों ने बताया ना, गुरुओं ने बताया ना, लेकिन उनके आवाहन से कोई आवाहन होता है कि वो झूठा ही आवाहन करते हैं? हैं? वो तो झूठा करते हैं, तो वो तो है ही नहीं लक्ष्मी कोई दुनिया में,
वो लक्ष्मी को जानते ही नहीं है, उसकी ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते। और यहाँ तो जानते हैं, पहचानते हैं, ऑक्यूपेशन को जानते हैं। तो हमारा आवाहन सच्चा है, उनका आवाहन तो जड़ मूर्तियों के आगे जाकर के आवाहन करते हैं। हम जब आवाहन करते हैं तो हमारी आंखों के आगे जड़ मूर्ति होती है या चैतन्य? हमारी आंखों के आगे तो चैतन्य मूर्ति है। और अंग्रेज लोग मुसलमान लोग बोलते हैं कि भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, तो वो पीरियड कौन सा होगा? तो अंग्रेजों के शास्त्रों में आया है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। हाँ, वही तो लॉर्ड कृष्ण कहा गया। तो 5000 साल पहले की बात है, माने संगम युग की ही बात की यादगार है। अरे यही तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले का पीरियड कौन सा हुआ? कौन सा तो नहीं मालूम है, अभी पता नहीं चला तुम्हें। उनकी जो दिन की शुरुआत होती है वो कै बजे से होती है? 12 बजे से होती है। तो यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में 12 कब बजे है? 76 में जो 12 बजे है वो वास्तव में सिर्फ बुद्धि के आधार पर समझने की बात है, ये प्रैक्टिकल में बजे है। बुद्धि के आधार पर समझा गया है, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया अंधेरे में आ जाए ऐसा नहीं हुआ। सारी दुनिया के अंधेरे में आने का मतलब है जो एडवांस पार्टी के हैं वो भी अंधेरे में आ जाएं, वो भी भगवान को भूल जाएं। ऐसी माया की फाइनल परीक्षा हो तब कहेंगे घोर अंधेरा है, तब घोर सोच रहा हूं। इतनी पढ़ाई देख के क्या फायदा? इतनी पढ़ाई के देखे किसी को तो फायदा हुआ होगा। सारे ही कैसे? तो जब एक छोड़ दिया तो फायदा हुआ ना। टीचर ने सारे क्लास को पढ़ाया और एक जो है वो पास विदानर हो गया और बाकी सब फेल हो गए नंबर वार। तो टीचर ने पढ़ाया या बाहर झोंका? कहेंगे पढ़ाया। अगर पढ़ाया नहीं तो वो कैसे फर्स्ट क्लास चला गया? वो पढ़ा है, वो एक ही पढ़ा। अरे तो एक से अनेक है, एक बीज से सारा वृक्ष पैदा होता है कि नहीं? और क्या चाहिए? पहले तो अंधेरे में आएंगे फिर है? पहले सारे अंधेरे में फिर सोचेंगे। नंबर कैसे बनेंगे? माला कैसे बनेगी? अभी किसी को कह दे तुम्हारा ये नंबर है तो मान लेगा? लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा, हमने इतना किया उसने इतना किया। जगदम्बा को कहे तुम्हारा चंद्रवंश में नंबर लगेगा, सूर्यवंश में 108 की माला में तुम्हारा नंबर नहीं है तो मान जाएगी? फिर और आज के इतना सारा मात्रा सुनने के बाद मेरा ऐसा डिसीजन हो गया कि सुनने का कोई व्यक्ति आवे ज्ञान में सब पेपर्स के लिए और पीपी के में आवे तो बाबा जी को कुछ कितने भी हो सकते
तो आपके सामने उठी नहीं सकता। आज पता चला आज तक दीदी जी मैं सुन रहा हूँ ना उसका आदर्श में बोल रहा हूँ। जब से सुन रहे हैं तब से? अच्छा जब से निश्चय पत्र लिख के लिया तब से नहीं? तब से मैंने तब से जंतर मंतर शुरू किया। जब से निश्चय पत्र लिख के दिया तब से मनन चिंतन मंथन शुरू किया। आज पक्का हो गया? पक्का तो हो गए उस टाइम, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई से कोई पता नहीं सकता कोई भाव। विष्णु पार्टी से जाके बात करना, वो तुमको समझाएंगे। फिर विष्णु पार्टी वाले समझाएंगे तुमको है? तो उनके पास सामने जाने से ही डरते हैं। और सृष्टि का पूरा विनाश हो जाएगा, पूरा विनाश हो जाएगा तब बाद में कृष्ण की आत्मा कितने दिन के बाद होगी? अरे एक तरफ स्थापना एक तरफ विनाश, दोनों साथ साथ चलते हैं कि आगे पीछे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 से स्थापना और विनाश दोनों हुए कि नहीं हुए? दोनों हुए। तो ऐसे ही एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे शुरू होते हैं। जब शुरू होते हैं तो अंत समय भी होगा, विनाश का अंत होगा, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल में शुरुआत भी हो जाएगी। जो भी पत्ते आवेंगे नंबर बार आवेंगे या एक साथ आ जावेंगे? नंबर बार आवेंगे। संकल्प विकल्प को संकल्प विकल्प बहुत आएंगे लेकिन कर्म इंद्रिय से विकल्प लग जाएगा है। तो संकल्प आते हैं और कर्म इंद्रिय से कोई कर्म होते हैं तो उसका वर्ड ड्रामा में जो फेमस है उसमें क्या कर्म इंद्रियों से कर्म कर लिया? नहीं, कर्म इंद्रिय से कर्म करते हैं और अगर संकल्प आते हैं तो संकल्प आते हैं और कर्म इंद्रियों से कर्म कर लिया? नहीं, हाँ करते हाँ। तो उन दोनों का जो फल मिलता है हाँ क्या आंसर होता है? तो पाप बन गया। जो अभी पाप बन गया कर्म इंद्रियों से कर्म कर लिया उसका 100 गुना बोझ चढ़ गया। और अंदर अंदर संकल्प आया और कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं किया तो 100 गुना बोझ। संकल्पों का बीज तो बोया लेकिन जो बीज बोया उसको खत्म किया कि नहीं किया? कंट्रोल किया कि नहीं किया? कंट्रोल किया माने संकल्प आए और उनको बरकरार रख करके नहीं रखना है, उनको चालू नहीं रखना है, खलास कर देना। योग आदमी से ही खलास होंगे। फुल स्टॉप चाहिए, पावरफुल। ये कहेंगे योग आदमी अग्नि में बीज ही जल जाए। ये भी बोला है कि ये ब्राह्मण की दुनिया किसी का भी कुछ भी छुपा नहीं रही। हाँ ठीक है। तो जो संकल्प चलाते हैं तो वो कैसे दूसरों को पता चल जाएगी कि ये सब है? कर्म के लिए देखा जाता है, वाचा के लिए देखा जाता है कि अंदरूनी संकल्प बाबा रीड करता है। बाबा एक एक के संकल्पों को रीड करता है या कर्म और जो वाचा है उससे जो पाप कर्म बनते हैं उनका लेखा जोखा होता है। संकल्प तो आते रहेंगे, कर्म इंद्रियों से बेकर्म नहीं करना है।
हाँ वो तो आगे की बात है, यहाँ की बात थोड़ी ही है। उतना ही बनेगा और कर्मातीतावस्था भी नहीं बनी है। हरेक आत्मा का अपना अपना वृक्ष बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। तो माया भी नहीं डालती। हाँ, विघ्न ज्यादा डालती है। हाँ, तो ये भी कब तक चलता, कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब रहेगा। कर्मातीतावस्था कब तक पाएंगे? कर्मातीत अवस्था तब तक नहीं पाएंगे जब तक हमारे 63 जन्मों किए हुए कर्म सारे भस्म न हो जाएं। चाहे तो याद से भस्म हो, चाहे तो बीमारी धीमारी के कर्म भोग से भस्म हो, और चाहे तो धर्मराज के दंडों से भस्म हो। जब तक भस्म नहीं होंगे तब तक कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं कर सकेंगे। होंगे नंबर बार है खाने के बाद, सब की बात थोड़ा ही बताइए। डंडे भी तो नंबर बार होंगे कि सबको एक जैसे मिलेंगे? कोई की डंडे, एक डंडा मारा चलो हटो जा भाग जाओ, वो एक ही डंडे में पहुंच गए कर्मातीत अवस्था में। और आपके अलावा डंडे तो सभी खाएंगे। और ज्ञान डंडे खाएंगे, वो तो अभी खा रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले ज्ञान के डंडे ज्यादा खा रहे हैं कि बेसिक पार्टी वाले ज्यादा खा रहे हैं? हैं? कौन खा रहे हैं ज्यादा? एडवांस पार्टी वाले ज्यादा खा रहे हैं, ज्ञान के डंडे खा रहे हैं। वो ही मुरली एडवांस वाले सुनते हैं, और वो ही मुरली वीसीडी में या डीवीडी में बेसिक वाले अगर सुनते हैं तो ज्ञान के डंडे ज्यादा किसको लग रहे हैं? बेसिक वालों को लग रहे हैं या एडवांस वालों को? तो जिनको ज्यादा डंडे लग रहे हैं ज्ञान के हिसाब से ही देख लो, तो उनकी कर्मातीत अवस्था बाद में आएगी या पहले आएगी? उनकी बाद में आएगी, एडवांस वालों की पहले आ जाएगी। और जो अंत तक इस ज्ञान यज्ञ में टिके रहेंगे उनकी प्रैक्टिकल में क्या निशानी देखने में आएगी? खुशी देखने में आएगी दुनिया वालों के मुकाबले। और दुख में और हाउस में खुशी मनाएगा और क्या? मुर्गा मौत मलूक का शिकार। ₹500 करोड़ की डोरी शिव बाबा के हाथ में है। अच्छा, माने शिव बाबा चलाता है 500 करोड़ को, ड्रामा नहीं चलाता है। और शिव बाबा की डोरी किसके हाथ में है? अरे शिव बाबा की डोरी किसी के हाथ में होगी कि नहीं? शिव क्या? शिव के हाथ में। तो आखिरी सबकी डोरी किसके हाथ में हुई? शिव बाबा की हाथ में है। शिव बाबा क्या? और शिव बाबा काहे के बंधन में बांधा हुआ है? तो कौन सी उंगली के बंधन में सारी दुनिया बंधी हुई है, चाहे शिव बाबा हो और चाहे उसके बच्चे हो? ड्रामा के बंधन में सारी दुनिया बंधी हुई है। यही तो भगवान, तो भगत लोग कहते हैं जैसे भगवान चलाता है वैसे हम चलते हैं। भगवान अच्छे कर्म कराता है तो हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान बुरे कर्म कराता है तो हम बुरे कर्म करते हैं। ये भक्तों की कहने की बात हुई या ज्ञानी की कहने की बात हुई? तो भक्ति के लोग हैं, सूक्ष्म शरीरधारी को कंट्रोल नहीं करते हैं।
सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा है, उनको कंट्रोल इसलिए कि करते नहीं क्या ब्रह्मा के बारे में। कौन कंट्रोल करता है सूक्ष्म शरीरधारियों को? नहीं, बाबा इसलिए नहीं करते, उनको कंट्रोल नहीं करते है क्या इसलिए? सूक्ष्म शरीरधारियों को शिव बाबा कंट्रोल करते नहीं? करते ना इसलिए। क्यों करेंगे? उनके अपने कर्म बंधन नहीं है सूक्ष्म शरीरधारियों के? उनके भी अपने कर्म बंधन है। हाँ जी, हाँ। ओम।